जय माता दी दोस्तों नमस्कार नया संवत श्री विक्रमादित्य संवत बुधवार 25 मार्च को शुरू हो रहा है 2077 विक्रमादित्य संवत की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो महारानी करें भगवान करें कृपा करें कि जो अभी कोरोना का संकट एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में आ गया है उससे सबको मुक्ति मिले सबको निजात मिले सब सुखी रहें संपन्न रहें ऐसी मेरी प्रार्थना है और जब सभी प्रार्थना करते हैं तो भगवान माता रानी ईश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं इसी दिन चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है हम सदा नवरात्रि का इंतजार करते हैं प्रतीक्षा करते हैं कि कब नवरात्रि आएगी और हम पूजा अर्चना करेंगे मां को मनाएंगे मां को रिझाएंगे हम अच्छे से अच्छा श्रृंगार करते हैं मंदिरों को घरों को अच्छी तरह से सजाते हैं कि माँ ऐसा वातावरण बनाते हैं कि माँ को आना ही पड़ता है और इस बार दोस्तों परिस्थितियां कुछ अलग सी हैं बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आए ईमेल जाए हम तो घरों में बंद हैं हमें पूजा की सामग्री नहीं मिल पा रही फूल नहीं मिल पा रहे नारियल नहीं मिल पा रहा कैसे गुरु पंडित जी आएंगे हम पूजा करेंगे तरह तरह की चिंता आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा आप तो हैं आप बहुत अच्छी तरह से मां की पूजा कर सकते हैं आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आप नवरात्रि के दिन बुधवार के दिन सुबह शावर लेके स्नान करके तैयार हो जाएं। अभी परमात्मा ने माता रानी ने सभी परिवारों को इकट्ठा किया है पूरे परिवार के साथ पूजा की तैयारी करें पूजा से पहले जो सामग्री है जो भी आपके पास है जैसे हल्दी होगी आपके पास कंकुम होगा आपके पास घी होगा आपके पास मौली होगी आपके पास चावल होंगे आपके पास लौंग इलायची होगी आपके पास कोई फल है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं कोई घर में कोई मीठा बना लें हलवा बना लें जो भी आप कर सकते हैं करें सबसे पहले अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करें जिनसे भी आपने दीक्षा लिया अपने माता पिता का ध्यान करें जिन्होंने आपको मां के चरणों में लगाया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आप गुरु जी का ध्यान करके मन ही मन में गुरु जी के चरणों में समर्पित हो जाएं, हे गुरुदेव कृपा करो हमें अपनी कृपा से मां की शक्ति के दर्शन करवाओ इसके पश्चात गणेश भगवान की पूजा करें ओम गंग गणपते नमः बहुत सुंदर मंत्र है ओम गंग गणपते नमः 11 बार इस मंत्र को बोलें उसके बाद आवाहन करें गणेश भगवान का उनको फूल चढ़ाएं चावल चढ़ाएं इसी तरह से मैं एक बार आपको रिपीट कर बोल देता हूं उसके बाद आप उसको समझ लेना जैसे घर में कोई मेहमान आता है हम आसन देते हैं कि बैठिए भाई तो आप ऐसे ही मन ही मन कल्पना करेंगे कि हे भगवान गणेश जी विराजमान हो जाओ
फिर ऐसे पानी का छींटा दे करके उनके पांव धो देना, उसके बाद अर्घ देना, फिर उनको गणेश भगवान को वस्त्र अर्पण करना, अमौली अर्पण कर देना। गणेश जी की मूर्ति है घर में, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सुपारी रख लें, उसको गणेश जी समझ करके उनकी पूजा करें। अगर गणेश जी की मूर्ति है तो उसको जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, पंचमृत से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं। अगर लगता है पंचमृत मुश्किल है, पूरी चीजें नहीं मिल पा रही, तो दूध से जल से स्नान कराएं। दूध भी नहीं है तो केले जल से स्नान कराएं, कोई बात नहीं। ऐसे उनके आसन दे दिया, उनके पांव धो दिए, अर्घ दे दिया, वस्त्र दे दिया, फिर उनको यज्ञोपवीत अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें। जनेऊ के बाद इतर, इतर नहीं है तो चंदन अर्पण करें। उसके बाद 11 बार गणेश जी को अक्षत चावल चढ़ा दें, ओम गंग गणपते नमः पूजयामि, ओम गंग गणपते नमः पूजयामि, ओम गंग गणपते नमः पूजयामि, ओम गंग गणपते नमः पूजयामि। फिर फूल चढ़ाएं, फिर उनको धूप अगरबत्ती अर्पण करें, फिर उनके आगे दिया जला दें, फिर प्रसाद जो भी आपके पास हो, फल जो भी आपके पास हो, और पान हो तो ठीक, नहीं तो लौंग इलायची अर्पण कर दें। और गणेश जी जहां आ जाते हैं वहां रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब कुछ आ जाता है। ऐसे मन से दोस्तों प्रार्थना करनी है, वेलकम करना है भगवान का, गणेश जी का, घंटी बजा करके, शंख बजा करके, खुशी के साथ और परिवार के साथ फिर उनकी आरती कर सकते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। गुरु जी की पूजा हो गई, गणेश जी की पूजा हो गई, इसके पश्चात ब्रह्मा भगवान जी का ध्यान करना, ब्रह्मा जी को आवाहन करना कि हे ब्रह्मा जी आप आइए, भगवान आप हम पे कृपा करें, हमको शक्ति दें। ब्रह्मा जी का जैसे आवाहन कर लेते हैं, फिर ऐसे विष्णु जी का, फिर शिव भगवान का। आपको विष्णु जी का मंत्र आता ओम विष्णुवे नमः, शंकर जी का ओम नमः शिवाय, इजी सिंपल। और जो दूसरे आते हैं आपको उनको जरूर करें। ये तो सिंपल लोगों के लिए है जो सीधे साधी स्थिति की पूजा करना चाहते हैं। फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र करके फिर आप दुर्गा जी की पूजा करेंगे। आपके पास दुर्गा जी की मूर्ति हो तो उनको उसी तरह ही जैसे पहले क्रम बताया आपको कि उनको स्नान कराना, उनको वस्त्र अर्पण करना, गंध धूप दीप पूरे ढंग से पूजा करना, फूलों की माला देना, उनको माता जी को चुन्नी देना। इसके पश्चात दोस्तों अखंड दीपक 9 दिन के लिए आप जरूर जला लें। और अगर मौली की 51 तंतु का दीप आप जलाते हैं, उससे आपके सब प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, मां की कृपा होती है। 51 धागे मौली के लेके उसको ऐसे बत्ती बना लें, उसको अखंड दीपक जलाएं, और एक दिया भैरव जी का तेल का, सरसों के तेल का जलाएं, इससे नेगेटिविटी नष्ट होती है। जैसे ये पूरा कर्म स्थापित हो गया, फिर घर में कोई कन्या है तो आप कन्या की पूजा करें, नहीं कोई कन्या तो मन ही मन पूजा करें। इसमें दोस्तों फिर भी हो सकता है कि कहीं कर्फ्यू लगा हुआ, कहीं स्टोर नहीं खुले हैं, कहीं हम कुछ ला नहीं सकते हैं, तो मन में ही मां को बुलाना, मां को आसन देना, मां विराजमान हो जाओ, मन ही मन में दिया जला देना, मन ही मन में पुष्प चढ़ा देना। ये मानसिक पूजा बहुत बड़े काम की है। और मन ही मन मां का ध्यान करना, और जैसे मन से करने लगोगे तो 9 दिन नवरात्रि में आप कोशिश करें कि अगर तो कोई दोस्तों आपका संकल्प है, आप काम के लिए, धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, करियर के लिए कर रहे हैं, तो आप जाप करेंगे एम हरीम कलीम चामुंडाय विच्चय,
अगर माँ को ही प्रसन्न करना है, ओम एम हरीम कलीम चामुंडाय विचे, ओम भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, एम माँ सरस्वती कृपा करें, हमें ज्ञान दें, बुद्धि दें, नॉलेज दें, हरीम नॉलेज आ गया, ज्ञान आ गया, तो लक्ष्मी जी की कृपा भी चाहिए, तो लक्ष्मी जी हमें सब सुख दें, दुनियावी सुख दें, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बच्चे, अच्छी संतान, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छा कैरियर, अच्छा बिजनेस, दोनों आ गए तो महाकाली जी रक्षा करें नकारात्मक शक्तियों से, चमुंडा माँ सदा साथ रहें, तंत्र से, मंत्र से, भूत से, प्रेत से रक्षा करें, विचे मीन मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों इस मंत्र का 40 मिनट तक कम से कम जाप करें, और जो रोज ज्यादा वक्त है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, एक पाठ रोज करें, एक पाठ रोज नहीं कर सकते हो तो दुर्गा सप्तशती जी के 3 चरित्र हैं, प्रथम मध्यम उत्तरा चरित्र, तो एक चरित्र का रोज पाठ कर लें। पहला अध्याय एक चरित्र है, दूसरा तीसरा चौथा मध्यम है, और पांचवें से लेके त्रयोदश तक 13वें अध्याय तक उत्तरा चरित्र है, उसका पाठ करें। और पाठ के पश्चात सबसे बड़ा जरूरी है मंत्र जाप के पास बाद भी दोस्तों बहुत जरूरी है, जो लोग गलती करते हैं, भूल जाते हैं, आप ध्यान जरूर करें 5-10 मिनट, 10 मिनट माँ को बुला लें, ऐसा महसूस करें माँ आ गई है, तब कोई पाठ करने की जरूरत नहीं है, तब मंत्र की जरूरत नहीं है, बस माँ को अपनी कथा व्यथा कहें कि माँ कृपा करो, हमारे कष्टों का निवारण करो माँ, और जो आपका संकल्प है, जो आपका गोल है, उसको ही कल्पना करें, उसको पिक्चराइज करें, और धीरे धीरे फिर माँ का थैंक्स करें, माँ का शुक्रिया करें, माता पिताजी को प्रणाम करें, उनका शुक्रिया करें, तो माँ ऐसी कृपा करेगी और माँ सब पे कृपा करे, माँ भगवती हमें इन सब कष्टों से निकाल ले, आप सबको बहुत बहुत शक्ति दें, फिर हाजिर होऊंगा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।